देखिए, मैं आप लोग को एनसीईआरटी का जो इंटीग्रेशन चैप्टर है उसको मैं पढ़ा रहा था, जिसमें मैं 7 पॉइंट एक्सरसाइज 7.1 की बातें हो रही थी और उसमें 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन हो गए थे। उसका इंट्रोडक्शन भी मिला था, आप इंट्रोडक्शन भी देखे होंगे, वहां सकते ये क्लियर हो गया होगा कि आपको पूरे चैप्टर क्लियर हो गई। बट लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम सोचे कि करा लें, तो आइए देखते हैं। चैप्टर के क्वेश्चन है 11 से 20 तक रहेंगे। और तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 11, एक्स का क्यूब प्लस 5x² - 4x² dx। देखिए, सबसे पहले बात है कि क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन कहीं मिस्टेक होगा तो आप देख लीजिएगा, लेकिन मेथड हम वही फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम इसको अलग अलग पार्टों में बांट लेंगे। तो बांटने का मतलब x का क्यूब x का स्क्वायर, ये देखिए हम अलग कर ले रहे हैं इसको, ये dx हो जाएगा प्लस 5x² dx। देखिए, हम सबको अलग अलग कर ले रहे हैं, 4 अलग हो जाएगा x² dx, क्लियर होगा। फिर इसके बाद ये आपका कटेगा, यानी x x के स्क्वायर है, x हो जाएगा। यहां भी यह भी आपका कट जाएगा, 5 कॉमन कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 dx हो जाएगा -4। यहाँ पे क्या होगा आपका x^-2 dx। फिर अब क्या करेंगे आप, इसका जब आप निकालेंगे यानी x का, आप क्या यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, a^n + 1 होता है, n+1 होता है, यही हम फार्मूला का यूज इसमें करेंगे। ये चैप्टर सिर्फ यही फार्मूला पे बेसिस है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब अब इसका आप निकालिएगा तो x 1, तो यानी x^(1+1)(1+1) यानी x^2/2 हो जाएगा। क्यों होगा, तो हाँ बोलिए हाँ, तो x^2/2 + 5, यहाँ पे x हो जाएगा इसका और यहाँ पे -2। अब देखिएगा, जब आप x^-2+1 करेंगे और -2+1 करेंगे, तो यहाँ पे आपका माइनस होगा और फिर 1/x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -1 है, वो नीचे आ जाएगा, 1/x हो जाएगा, यानी -1/x, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस ये आपका कांस्टेंट सी, यानी आप ये आपका इसका आंसर आ गया। तो देखिए, इसी तरह के हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम वही है। देखिए, जब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बातें करेंगे तो उसमें क्या होगा, ट्वेल्थ क्वेश्चन आपका है x³+3x+4/√x dx। हमें देखिए इसकी आंसर निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हमें इसका इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए आप, फिर मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसको अलग अलग पार्टों में आप डिवाइड कर लीजिए। तो इसको आप जब करेंगे तो ये आपका √x dx हो जाएगा, प्लस ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लेंगे, dx हो जाएगा, प्लस ये 4 यह भी कांस्टेंट आपका है, dx, क्लियर है। जबकि अब देखिएगा क्या होगा, देखिए यहाँ पे x है, हम इसको √x को, यानी √x को हम x^1/2 लिखेंगे, ये हो गया। बट हमारे पास x का क्यू है, नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में होगा, तो ये आपका आ जाएगा 3^6 - 1/2, यानी ये x^5/2 बन जाएगा, ये वाला जो है आपका x^5/2 बन जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, अब इसी तरह से इसका देखिए, इसका देखिएगा, ये dx हो गया। अब इसी तरह हम इसका देखेंगे, x^1 है प्लस माइनस, ये ऊपर जाएगा तो आपका फिर क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 1/2 बन जाएगा, 2 2 में 1 माइनस करेंगे आप, तो क्या होगा x^1/2 dx। फिर इसके बाद ये आपका जो 4 है, 4 x^ यहाँ पे -1/2 dx। अब इसका आप इंटीग्रेट कीजिए, तो इसका जब आप करेंगे तो x^1 जुटेगा, यानी इसमें ध्यान दीजिएगा, 1 क्या होता है, a^n+1 + n+1 वाला रूल लगेगा
आप लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। 7/2 7/2 यानी एक्स के पावर 7/2 7/2 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। प्लस अब देखिए ये आपका 3 होगा और यहां पे अब जब इसका आप इंटीग्रेट करेंगे, हाँ इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स के पावर 1/2 एंड इसको आप एड करेंगे 3/2 हो जाएगा, क्यों तो एक्स के पावर 3/2 by 3/2 होगा प्लस 4 है, यहाँ पे माइनस में 1/2 आप इसको क्या करेंगे प्लस, फिर यहाँ पे 1/2 प्लस होगा यानी 2 1/2 यहाँ भी 1/2 ही हो जाएगा। अच्छा तो ये 1/2 यानी x के पावर 1/2 फिर 1/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, कांस्टेंट c लगाना ना भूलेंगे आप। यहाँ पे 2/7 एक्स के पावर 7/2 यहाँ भी 3 ऊपर यानी 2 ऊपर चला जाएगा और 2 3 तो पहले से था बाय 3 एक्स के पावर 3/2 हो जाएगा यानी ये वाला 2 भी ऊपर आपका चला जाएगा यानी 4 2 8 एक्स के पावर 1/2 प्लस ये कांस्टेंट सी। यदि आप इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काट के इसको 2x का 3/2 कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की ओर चलते हैं और इसमें देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। 13 क्वेश्चन जो है आपका एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x-1 dx हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा देखिएगा थोड़ा सा इसको आप फैक्टर निकालने तो आप लोग सीखे होंगे, ये क्लास 8 में पढ़ाया जाता है, फैक्टर्स वही है उसी को हम कर रहे हैं। देखिए जब आप यहां से ये दोनों को साथ में ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं, एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ये दो तो है ये दो तो है, एक्स का स्क्वायर अच्छा दोनों में कॉमन है जी तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बचा एक्स माइनस 1 बचा, इन दोनों में 1 कॉमन आप 1 कॉमन लीजिए x माइनस 1 ये दोनों दोनों मिल रहा है x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 ये आपका ये होगा। अब इसी के जगह पे आप इसको पुट कर दीजिए यानी x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 बाय x माइनस 1 समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि हम कहां से क्या निकाल रहे हैं, ठीक है। ये dx हो गया, ये आपका इससे ये कटेगा कटेगा अच्छा काट लीजिए x के स्क्वायर प्लस 1 dx होगा, क्यों अब इसके बाद आप इसका फिर से अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए, क्या होगा x क्यूब बाई 3 प्लस x प्लस ये आपका कांस्टेंट c, ये आपका आ गया आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए कॉपी और पेन लेकर ही बैठिएगा और इसको साथ में सॉल्व करते चलिएगा, समझिएगा सॉल्व करते चलिएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 क्वेश्चन, ये है हम इसको कैसे करेंगे। अब जब हमें इसका अब देखिए इसका आप क्या कीजिए ना कि अंदर मल्टीप्लाई करते चले जाए, कर लिए एक्स का इसको फिर अलग अलग आप बांट दीजिए, अब देखिए एक्स के पावर 1/2 dx होगा, 1 है आप जब इसको अच्छा तोड़ना है मुझे एक्स के पावर रूट एक्स, एक्स के पावर 1 होगा ये 1/2 यानी x के पावर 3/2 होगा आपका यानी x के पावर आप इसको 3/2 लिखेंगे, ये dx। अब क्या करेंगे जब यहां पे आप अब कैसे ये के पावर n
यानी एक पावर एन इक्वल टू एक पावर एन प्लस वन एन प्लस वन, यही फार्मूला का सिर्फ हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी लगाइए आप तो क्या होगा, एक्स के पावर वन बाई टू प्लस वन, वन बाई टू प्लस वन, यानी एक्स के पावर थ्री बाई टू, और ये आपका आ जाएगा थ्री बाई टू। डन, तो हम इसका निकालेंगे, तो निकाले तो क्या आ गया मेरे सामने, एक्स के पावर थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू माइनस। अब देखिए इसका आप निकालेंगे तो आप इसको एड कर लीजिए, यानी थ्री टू फाइव, फाइव बाई टू, एक्स के पावर फाइव बाई टू, फाइव बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट सी, यहाँ पे टू बाई थ्री एक्स के पावर थ्री बाई टू प्लस टू बाई फाइव एक्स के पावर फाइव बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आप लगा रहे होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फोर्टीन हो गया, अब फिफ्टीन की ओर देखिए, फिफ्टीन कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन यदि गलत लिखा गया हो या मिस्टेक हो जा रहा हो तो क्वेश्चन देखिए ध्यान मत दीजिएगा, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या दिया है बुक में, लेकिन आप पहले उसको कॉन्सेप्ट को समझिए कि कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चनों को, ठीक है। आपको सब क्वेश्चन आएंगे, देखिए जब इसका आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसको देखिए आप, अच्छा ये देखिए थ्री हो जाएगा एक्स के स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, मैं इसको अलग अलग कर दे रहा हूं, इसका मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं अलग भी कर रहा हूं, प्लस थ्री रूट एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका एक्स है, इससे मल्टीप्लाई कर लिए, एक्स है इससे मल्टीप्लाई कर लिए, क्लियर हो रहा होगा, अच्छा भी आप लोग को लग रहा होगा। x के पावर यहाँ पे रूट एक्स है, मैं बार बार बता रहा हूं कि इसमें कंफ्यूजन बच्चे बहुत करते हैं, इसलिए टू टू जा फोर फाइव बाई टू हो जाएगा, यानी आप इसके जगह पे x के पावर फाइव बाई टू लिखेंगे प्लस टू रूट, इसके जगह पर देखिए क्या लिखिएगा आप, x वन वन बाई टू, यानी x के पावर थ्री बाई टू ला लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप तो जान ही रहे हैं तो वन बाई टू भी x होगा, dx भी लिखना ना भूले, ठीक है। ये देखिए जब इसका आप क्या करेंगे तो ये थ्री एक्स के पावर सेवन बाई टू, सेवन बाई टू आएगा, इसका आएगा आपका टू एक्स के पावर फाइव बाई टू, फिर फाइव बाई टू, फिर एक्स के पावर फिर टू वन थ्री, यानी एक्स के पावर थ्री बाई टू, थ्री बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट सी, क्लियर। तो ये देखिए आप इसमें इसको ऐड किए, इसको ऐड किए, फिर वन थ्री डन, फिर आप इसको सर आप मल्टीप्लाई ऊपर देखो, ऊपर आप चेंज कर दीजिए, यानी थ्री टू जा सिक्स बाई सेवन एक्स के पावर सेवन बाई टू, टू टू जा फोर, फोर बाई फाइव एक्स के पावर फाइव बाई टू, यानी थ्री टू जा सिक्स बाई थ्री, आप इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, ये आपका आंसर। तो ये तो हुआ 15 क्वेश्चन, अब 16 क्वेश्चन की ओर चलें। देखिए 16 क्वेश्चन क्या है, 16 क्वेश्चन ये कह रहा है 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x dx, क्लियर है, वो ही रहा हो। जब इसको आप अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर लीजिए, इसको देखिए ये 2x dx हो जाएगा, हम कांस्टेंट बाहर निकाल रहे हैं, cos x dx होगा और फिर प्लस e के पावर x dx हो जाएगा, ठीक है। आप इसका करेंगे तो x के स्क्वायर बाई 2 होगा, इसका cos x क्या होता है sin x होता है, और ये e के पावर x प्लस कांस्टेंट c, ये इससे ये कट भी जाएगा, x के स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस e के पावर x प्लस कांस्टेंट c, ये आपका यहां से आंसर आएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16। हाँ 16 हो गया था, 17 की ओर देखते हैं। 17 क्वेश्चन यानी 2x का स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स डीएक्स। जब आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो ये आपका x हो जाएगा माइनस 3 साइन एक्स डीएक्स हो जाएगा प्लस 5 अंडर रूट एक्स डीएक्स। क्लियर है? यहाँ पे 2x के पावर 2 बाई 3 होगा क्योंकि 1 a के पावर n प्लस 1 फिर बाई n प्लस 1 वाला फार्मूला चल रहा है। देखिए जब साइन x का क्या होता है माइनस कॉस, ये आपका प्लस होता है। इसको x के पावर 1 बाई 2 है, आप एड करेंगे यानी x के पावर 3 बाई 2 फिर 3 बाई 2 और ये आपका कॉन्स्टेंट c जुड़ेगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं इतना x 2 by 3 3 cos x plus ये आपका ऊपर चला जाएगा यानी tan x 3 by 2 plus constant c आ गया। चलिए फिर 17 क्वेश्चन होता है, फिर हम 18 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं? एटीन क्वेश्चन देखिए, sec x प्लस tan x dx। हम इसका कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं कि इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ना तुरंत, sec x हो जाएगा आपका इंटू tan x हो जाएगा, ये पूरे का dx हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पे sec स्क्वायर x हो गया, आप इसको भी अलग कर लीजिए प्लस sec x इंटू tan x dx, ये भी आपका अलग हो जाएगा। और sec स्क्वायर x बराबर क्या होता है तो आप बताएंगे कि tan x होता है, और sec x और tan x क्या होता है प्लस sec x और प्लस ये कॉन्स्टेंट c हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन में क्या होगा कि इसको देखिए कैसे करना है। जो 19 आपका क्वेश्चन है उसको आप कैसे करेंगे, तो उस जो 19 क्वेश्चन है देखिए उसको हम कैसे करेंगे। तो 19 की ओर चलते हैं, कैसे किया जाए उसका सोल्यूशन। यहां पे आपका दे रहा है sec स्क्वायर x y cos स्क्वायर x dx, ये दिया है। ध्यान दीजिएगा यहां पे sec स्क्वायर x है और आप जानते हैं कि sec को हम क्या लिख सकते हैं 1 by cos, तो sec स्क्वायर x इक्वल टू आपका होगा 1 by cos स्क्वायर। देखिए फिर cosec स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1 बटे sin स्क्वायर x, क्यों होता है? अच्छा सब उसी के जगह पे हम इसको पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं, 1 बटे cos स्क्वायर x 1 बटे sin स्क्वायर x dx, फिर इसका आप साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख लीजिए। यहां पे ये आपका टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। देखिए आपको टेन स्क्वायर एक्स का तो पता नहीं है, पता है नहीं, तब क्या करेंगे? इसके लिए आप इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स में आप तोड़ेंगे तो यहां पे आ जाएगा sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx, और sec स्क्वायर x को ही हम tan x लिखते हैं।